मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूं जिसमें सरकार तक आवाज आए, वहां पर बैठ के नौ रुपए किलो प्याज बेचने शुरू कर दी आप किसी की परवाह नहीं करते कि कोई साथ आ रहा है या नहीं आ रहा गुस्सा एक जहर की तरह होता है गुस्सा एक आग की तरह होता है जब हम गुस्सा करते हैं जिसके लिए गुस्सा करते हैं सामने वाले को तो पता नहीं असर होगा या नहीं होगा या कब होगा लेकिन वो हमारी सेहत को काफी नुकसान पहुंचाता है लेकिन ये गुस्सा आता कहां से है ये गुस्सा हमारे अंदर से ही आता है हम खुद ही इस गुस्से को पैदा करते हैं लेकिन ये गुस्सा क्यों आता है ये गुस्सा हमें कहाँ और क्यों करना चाहिए क्या गुस्सा जिंदगी में बिल्कुल नहीं करना चाहिए ये बातें सुन के आज थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा कि आज जॉली अंकल जो मोटिवेशनल और दूसरी बातें करते हैं तो आज गुस्से की रिसर्च क्यों कर रहे हैं मैं गुस्से की बात इसलिए कर रहा हूं कि आज हमारे जो खास मेहमान हैं वो कोई ऑर्डनरी पर्सनैलिटी नहीं बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी पर्सनैलिटी हैं जी हाँ ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दुनिया में उनको एक टाइटल मिला है कि दुनिया में सबसे गुस्सैल सबसे ज्यादा गुस्सा करने वाले वर्ल्ड के एंग्री मैन परमजीत सिंह पम्मा जी आज वो हमारे साथ स्टूडियो में हैं। पम्मा जी बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद धन्यवाद आपका पम्मा जी गुस्से के बारे में अक्सर हमारे बुजुर्ग समझाते थे कि गुस्से से बचना चाहिए गुस्से से दूर रहना चाहिए लेकिन आपको क्या वो कहते हैं ना जन्म गुट्टी जब बच्चा पैदा होता है क्या कि किसी ने गुट्टी ऐसी पिलाई थी कि आज आपको ये जो टाइटल मिला है शायद आप अकेले हैं पूरी दुनिया में जिसको ये टाइटल मिला है कि दुनिया का सबसे गुस्सैल वैसे हम लोगों की इमेज थोड़ी सी वैसे भी सरदारों की है कि ये गुस्सा ज़्यादा करते हैं लेकिन आपने तो एक अलग लेवल पे उसको पहुंचा दिया कि इंटरनेशनल चैनल्स ने आपको ये टाइटल दिया तो ये जो वो घुट्टी है ये कहाँ से मिली आपको ये घुट्टी मिली समाज के दर्द को देख जब समाज का दर्द देखता हूँ या उनको मैं देखता था मेरे फादर होते थे जत्थेदार त्रिलोचन सिंह जी जी वो हमेशा समाज के लिए कुछ ना कुछ करते रहते थे जब उनकी दत्तवी नाइन नाइनटीन में उसके बाद एक तो मैं अकेला पड़ गया और मुझे लगा कि कुछ ना कुछ करना चाहिए समाज में मैंने ये देखा कि लोग तंग तो हो जाते हैं सुबह अखबारें पढ़ेंगे टीवी देखेंगे एक दूसरे के बारे में बुरा बोलेंगे मगर इतनी हिम्मत नहीं रखते कि कुछ सरकारों के आगे बोल पाएँ या प्रशासन के आगे बोल पाएँ वो घुट घुट के जीते रहते हैं आज दालें महंगी हो गई आज प्याज महंगे हो गए आज बच्चों को दाखिला नहीं मिल रहा स्कूल फीस बढ़ा दी गई नौकरियां नहीं हैं व्यापार नहीं है किसी प्रकार की भी दिक्कतें होती हैं वो लोग घुट घुट के बस वहीं तक सीमित रहते हैं कि उनको ये लगता है बस बैठ के ही सारे काम पूरे हो जाएंगे उसमें मुझे लगा कि मुझे क्यों नहीं कुछ करना चाहिए इसको लेकर मैंने धीरे धीरे पहले छोटी छोटी समस्याएं उठानी शुरू की वो समस्याएं जैसे जिस प्रकार थी कि भाई किस प्रकार हम आगे आने वाले समय में लोगों को जोड़ सकते हैं और उनकी समस्या ले जा सकते हैं मगर सबसे बड़ी जो हमें जीत मिली सबसे बड़ी जो ताकत मिली जब हमने ये चीज शुरू की तो उसमें हमें सफलता मिलती गई क्योंकि हमने देखा कि सरकारें हमारी हैं हमने ना तो सरकार बदलने की कोशिश की ना सरकार में जाने की कोशिश की हमने ये कोशिश की कि सरकार को मुद्दे कैसे पहुंचाए जाए कई बार सरकार करना चाहती है मगर निचले लेवल से ऊपर तक आवाज नहीं जाती उसका जरिया क्या था उसका जरिया था या तो फाइलें लेके जाओ लगातार चक्कर लगाते रहो डेट पे डेट डेट पे डेट डेट पे डेट <laughs> यही होता है यह तरीक पे तरीक तरीक पे तरीक एक होता है कि हम लोग इकट्ठे हों उसकी आवाज अपनी आवाज प्रशासन को पहुंचाए चाहे मीडिया के जरिए या किसी प्रकार पे जब आप प्रदर्शन या धरना करते हैं उसमें तीन चीजें आपकी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। एक तो लीजिए आप तो बहुत अच्छे लेखक हैं आपको पता कलम में बहुत बड़ी ताकत है कलम में वो ताकत है जो किसी हथियार में नहीं है जब हम धरना प्रदर्शन करते हैं कलम चलती है पूरी पत्रकार की भी दूसरे उसमें होता है कि हमारी आवाज भगत सिंह ने बम फोड़ा था में किसी को मारने के लिए नहीं फोड़ा था जी उसने अपनी आवाज दुनिया को पहुंचाने के लिए फोड़ा था वो ये हम बम फोड़ रहे हैं अपनी आवाज से अपनी आवाज चलाकर दुनिया को बताते हैं समाज को बताते हैं या प्रशासन को बताते हैं सरकारों को बताते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर किसी बच्ची के साथ गलत हो रहा है किसी बच्चे के दाखले नहीं हो रहे नौकरियां नहीं मिल रही या दालें महंगी हो रही हैं, सब्जी महंगी हो रही है आम जो इंसान है किस प्रकार तंग हो रहा है वो जो बम फोड़ते हैं वो बम ऐसा फटता है अगले दिन जो अखबारों में तो सरकार को हिलना पड़ जाता है सरकार को उस मुद्दे पे सोचना पड़ जाता है मेरा गुस्सा ऐसा नहीं है सड़कों पे मैं किसी लड़ रहा हूं कभी किसी से लड़ाई करो मेरे पे सो सो के सो पचास पचास प्रभु की कृपा से मैं हंसता खेलता हूँ मेरा भी परिवार है मेरे भी बच्चे हैं अगर मैं गुस्सा करूँ तो मेरी बीबी मुझे बाहर निकाल दे तुम तो चलो बाहर तुम बाहर ही जाओ घर पे नहीं आ रहा तो मेरा गुस्सा समाज के कार्यों के लिए वो हमेशा चलता रहेगा मैं अभी ये चीज पूछने वाला था आपसे कि घर के बाद सिस्टम के अगेंस्ट करप्शन के अगेंस्ट या जब कभी आम आदमी की कोई तकलीफ होती है इवन मुझे याद है कि एक बार प्याज बहुत महंगे हो गए थे दिल्ली में आम आदमी की रीच से बाहर हो गए थे तो आपने प्याज को लेके भी बहुत प्रोटेस्ट किया था तो बाहर तो आप इतना गुस्सा करते हैं तो घर में भी क्या इसी माहौल इसी मूड में रहते हैं या घर में जाके आपके मूड एकदम से चेंज हो जाता है देखो घर पे मेरा जो बच्चों वाला ही रवैया हो जाता है आम लोगों को जैसे फैमिली से होता है बच्चों से खेलना बातें करना कुछ उनकी बातें सुनना कुछ अपनी बातें बताना मैं प्याज वाला गुस्सा सुनाऊ मैं अपने घर से बाहर निकला हमारे मतलब की तीन चार लेडीज सामान खरीदे वो सब्जी वाले से वो लड़ पड़ी भैया प्याज इतना महंगा लूट मच रही है सत्तर पे नब्बे रुपये किलो ऐसे चल रहा तो चलो मैंने भी अनसुनी कर दी मैं आपको बताऊं तो मैं यहाँ सदर बाजार गया तो लेबर वाले बंदे बाबू जी बड़ा मुश्किल हो गया काम मैं क्या हुआ जी प्याज बहुत महंगा हो गया रोटी नहीं खा पा रहे मुझे थोड़ा सा लगा सुबह भी बात थी, ये भी। फिर थोड़े से व्यापारी आने शुरू जी प्याज ही यार कमाल कर दी प्याज ही आसमान छू गया मैंने कहा ये प्याज ना हो गया क्या हो गया तो मेरे एक मित्र हैं मंडी में मैंने उनसे कहा मैंने कहा यार ऐसे ऐसे बातें कहते पम्मा जी सही बात है ये मैं अच्छा तो पता नहीं क्या एक आया कि मैंने कहा देखो मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूं जिसमें सरकार तक आवाज है अब धरना प्रदर्शन कर दूं तो आम बात हो गई चलो भी ये तो होते रहते हैं मैंने क्या किया मैंने मंडी से उसको पांच सौ किलो प्याज बेचूंगे क्या रेट होगा उसे जो रेट बताया तो मैंने रख के अपना बंगला साहब के बाहर जो रोड है जो उसके सामने की वहां पर बैठ के नौ रुपए किलो प्याज बेचने शुरू कर दिया जोली साहब आप सुन के हैरान हो जोगे क्या कारों वाले क्या बसों वाले ये समझ लो जिसकी लाखों रुपए की कार भी है वो भी साइड पे लगा के नौ रुपए किलो प्याज लाइन पे लगे हुए क्या पुलिस वाले मतलब कि कोई ऐसे आपने आप तो फोटो भी देखी है कहीं जी जी मतलब कि लोग ऐसे लाइन इतनी लंबी लाइन और कई अफसरों के फोन आ गए पम्मा जी एक पांच किलो प्याज मुझे भी कई ऐसे दोस्तों के जो जान बचा पम्मा जी यार ये मतलब की सबसे बड़ी बात थी उसके बाद ये देखो सरकार को मजबूरन ट्रक शुरू करने पड़े इसी प्रकार दालों का भी हाल हुआ था याद होगा आपको बिल्कुल दो सौ रुपए किलो दालें बेच दी थी तब मैंने चालीस रुपए किलो बेचनी शुरू कर दी मेन मकसद है सरकार को सब पता भी होता है या नहीं भी पता होता मगर सरकार करना नहीं चाहती आप ये बताओ आम आदमी जो ए, मैं कहता हूं जो शाम का जिसका दो सौ चार सौ रुपए कमा रहा है वो प्याज और दाल से रोटी नहीं खा पाएगा तो कैसे खाएगा अगर हम ये कहते हैं हम ये तो नहीं कहता कि भाई उसको इतना बड़ा दो इतना तो सरकार का हक मतलब कि फर्ज भी है कि उस बंदे की सरकारों पे इतनी कमेटियां हैं वो क्यों नहीं नजर रखती इन चीजों के ऊपर कि ये यहाँ पर महंगाई होने वाली है या यहाँ पर काला बाजारी हो रही है उस पर हम पहले लगाम लगाए अगर प्याज की फसल कम हुई है या कोई नुकसान हो गई है तो उस पे एक्सपोर्ट करना बंद कर देना अपने पहले देश में रखें इम्पोर्ट ना करें बेसिकली क्या है ये लोग तभी जाते हैं जब इनको लगता है कि अब तो पब्लिक हमारे पीछे पड़ गई वो पब्लिक कौन पड़ती है पब्लिक बड़ा अच्छा मुझे एक चीज याद आती है कि कई बंदों ने मुझे कहा कि आपको तो भाई साहब जंतर मंतर ही घर ले लेना चाहिए वहीं पर आपको टेंट लगा के ना सरकार को एक दे देना चाहिए कि भाई वहीं वही पर आप बैठो वहीं पर सो मैंने कहा मेरा घर रोडो पे ही है मेरा ना तो पार्लियामेंट है ना विधानसभा है ना निगम निगम है मैं सड़कों का बंदा हूं सड़कों पर ही रह के धरने प्रदर्शन करूंगा और सड़कों पर ही मैं कर रहा हूँ क्योंकि कारण क्या है एक अंदर से जज्बा आ जाता है कि भी जोश आ जाता है जैसे आपने कहा गुट्टी पिलाई मुझे घुट्टी पता कौन पिलाता सबसे ज्यादा जब बंदों के दिखता हूँ ना दुख वो मेरे अंदर घुट्टी आती है कि अब ये दर्द नहीं सहन हो रहा अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा अब आप बताओ मैं ये तो प्याज दालों की बात हो गई इतना बड़ा नशा हमारे देश में फैलाया जा रहा है ऑनलाइन गेमों के जरिए बच्चों को बर्बाद किया जा रहा है सरकारें क्यों सरकारों को है भाई बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं उनके नेट चल रहे हैं सब कुछ चल रहा है वो करने को तैयार नहीं आज हमारे बच्चों को रोका जा रहा है खिलाड़ी बनने से हमारे बच्चे को रोका जा रहा है कलाकार बनने से हमारे बच्चे को रोका जा रहा है व्यापारी बनने से हमारे बच्चे को रोका जा रहा है कोई किसी प्रकार की भी फौज में किसी में ना जाए उसका दिमाग ब्लॉक किया जा रहा है गेमों के जरिए और उसके साथ पैसा बर्बाद किया जा रहा है कि भाई वो पैसा भी कई बार उसको लगता है ये गेम में आगे पहुंच जाऊं वो म, मम्मी पापा का क्रेडिट कार्ड लेता है तो उसमें आगे पैसा भेज देता है उसके हाथ में मोबाइल छीनो तो वो झगड़ने को पड़ जाता है मार को, को पड़ जाता है सुसाइड सुसाइड कर कर लेते लेते हैं हैं और यहाँ तक के मतलब की कई बच्चों ने तो की है आपको पता है जी. तो मुझे याद है मैंने जिस टाइम ये प्रदर्शन किया पबजी के, के खिलाफ तो मुझे एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार का फोन आया कि पम्मा जी आप तो वेले हो गए मैंने कहा बिल्कुल मैं वेले ही हूं मेरा काम ही क्या है क्योंकि मैं हसी मजाक वाला बंदू मैं <laughs> कहता जी आप तो वेले हो गए आप बच्चों के गेमों के ऊपर प्रदर्शन धरने प्रदर्शन करोगे मैं कभी कर को करूंगा चलो जी मैं कही ये देखो मुद्दा है कोई बात नहीं यार चलता रहता है पंद्रह दिन बाद उन्हीं पत्रकार का रात रोते हुए साढ़े ग्यारह बजे बारह बजे रात को फोन आया मैं क्या हो गया भाई साहब कहते मुझे नहीं पता था मेरा भांजा भी क्या वो अब आईसीयू में मैं भाई साहब इसीलिए मैं प्रदर्शन करता अब बताइए मैंने कहा मुझे अपना स्वार्थ नहीं है कोई मैं मे, मैं मे, कर रहा हूं तो मैं अपने बच्चों के मोबाइल मुझे, मुझे उन बच्चों की चिंता है जो समाज के हैं जो समाज के लिए हमारे आने वाला हमारा इतिहास है हमारा एक भविष्य है हमारे देश की ताकत है हम उन बच्चों को क्यों ऐसे धकेले एक्चुअली हमारे यहाँ जो एक कमी आ गई है आज की डेट में वो ये देखने को मिलती है कि ये अभी दूसरों के घर में हो रहा है ये अभी मोहल्ले में है और दूसरी कॉलोनी में है मेरे घर में तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा ना तो ये जो सेल्फिशनेस है ये जो है हमारी सोच को छोटा कर रही है जिस वजह से ये समाज में गिरावट देखने को मिल रही है जोली जी मैं आपको बताऊं भगत सिंह सारे ना पड़ोसी के घर में ढूंढ रहे हैं या <laughs> किताबों में <laughs> ये कोई ये कोई नहीं कहता मैं भगत सिंह बनू क्यों क्योंकि भगत सिंह बनने के लिए फांसी चढ़ना पड़ेगा संघर्ष करना पड़ेगा आवाज उठानी पड़ेगी हर बंदा स्वार्थी है कि चल यार ये कर देगा अगर कोई रोड टूटी पड़ी है कोई सड़कें खराब है कोई नाली बह रही है कुछ है वो कहेगा जी यार इसको प्रधान बना दिए किसी को वो ही करे या आ, आम कोई कंप्लेट करके खुश नहीं है वो अपनी जिम्मेवारी से दौड़ रहा है देश की तरक्की चाहिए या समाज की तरक्की चाहिए पहले तो अपनी जिम्मेवारी समझे आज जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री मैं कहूँगा उन्होंने एक सफाई का अभियान चलाया था जी ठीक है बहुत अच्छा बयान चलाया था कि भाई कूड़ा नहीं होना चाहिए शौचालय का चलाया था बहुत अच्छा चलाया था मगर इसी प्रकार हमें आम लोगों को इसको आगे चलाना चाहिए कि हम और क्या क्या कर सकते हैं मतलब कि जिसमें यह लगे कि हम समाज को एक नई राह देते हैं समाज की सोच को भी बदलें और अपनी सोच को भी बदलें तब जब तक अपनी सोच को नहीं बदलेंगे तब तक समाज की सोच को नहीं बदल सकते आपकी इमेज आज दिल्ली में पूरे इंडिया में या दूसरे कंट्री में भी मैं बल्कि कई बार बाहर जाता हूं वहां भी जब बात होती है तो आ, लोगो, लोग आप लोगों लोग आपसे मिले हैं या नहीं लेकिन आपके जो करिश्मे हैं जो आपके कारनामे हैं उनके बारे में जानते हैं आपके नाम को वो अच्छे से पहचानते हैं आप एज ए प्रोटेस्टर तो बहुत दूर तक आपकी इमेज बनी और आज तकरीबन तीस साल हो गए आपको ये प्रोटेस्ट करते हुए हाँ, चाहे फ्रांस में पगड़ी का मुद्दा हो चाहे हमारे लोकल कोई प्रॉब्लम होती है तो आप किसी की परवाह नहीं करते कि कोई साथ आ रहा है या नहीं आ रहा और आप अकेले अपने दम पे शुरुआत कर देते हैं बाद में ठीक है कि कुछ टाइम बाद बहुत सारे लोग प्रेस वाले भी आपके साथ जुड़ जाते हैं इसके अलावा पम्मा जी आप व्यापारी भी हो कारोबार भी करते हो कैसे टाइम निकालते हो अपने बिजनेस से आज जो बिजनेसमैन है या दुकानदार है उसे दस मिनट के लिए कहीं जाना पड़े तो वो कहते है, मेरे पास टाइम नहीं है मैं इन चीजों में नहीं आ सकता मैं नहीं कर सकता आप कैसे मैनेज करते हो कि अपना काम काज छोड़ के इतना कुछ सोसाइटी के लिए कर रहे हो देखो सबसे बड़ी बात तो मैंने आपको बताया जैसे मेरे फादर जैसे, जैसे मैंने बड़ा कुछ सीखा दूसरी बात ये सबसे बड़ी बात आपने बहुत बोली कई बार हमें भी ये प्रॉब्लम आती है जो व्यापारियों की जो आम लोगों की दिक्कत होती है जिसमें तो दिक्कत होती है तो वो लोग हमारे साथ पूरी तरह चलते हैं जब दूसरे की दिक्कत आती है ना या कभी कुछ आते तो उनको बुलाए तो आज मेरे ये नहीं आया आज दुकान पे लड़का नहीं आज बेटा नहीं है आज बेटे ने कहीं जाना है मतलब कि सो बहाने आ जाते हैं वो हमेशा प्रॉब्लम हमेशा आनी पड़ती है हम उसकी परवाह भी नहीं करते मैंने तो एक सोचा हुआ है मैं तो एक कोरे कागज की तरह अपने आप को रखा हुआ है मैंने ये उस पर कोई नाम नहीं लिखा हुआ क्योंकि चक्कर क्या है कोरा कागज जो है ना रखूंगा तो सुखी रहूंगा अगर मैं दस नाम लिख के रखूंगा उसमें से पता लगेगा दो भी नहीं आए या चार भी नहीं आए तो मैं मन में रखूंगा तो मैंने तो क्योंकि राजनीतिक पार्टियों के पास बहुत सुविधा है हर चीज है मैं अपने आप को एक इंस्टीट्यूट मानता हूं जिस प्रकार धरने प्रदर्शन या कई लोगों को आगे आने वाले समय में कि किस प्रकार हमने लोगों की मदद करनी है सहायता करनी है उसके बारे में बताता भी वो लोग आते हैं जब उनको लगता है कि यहां पर तो हमें कुछ हासिल नहीं होगा क्योंकि मेरे पास तो कुछ है नहीं है ना मेरे पास पैसा है ना मेरे पास कोई सत्ता है ठीक है ना पावर है जब उनको लगता है कि ये पार्टियां मुझे यहां से फायदा मिल सकता है उन पार्टियों में चले जाते मुझे भी खुशी होती है कि चलो हमारे से कुछ बंदा कोई इंसान सीखा हुआ <laughs> आज एम या काउंसिलर का चुनाव लड़ रहा है या गुरुद्वारा प्रबंधन किसी प्रकार का भी किसी पोस्ट पर बैठा हुआ बड़ी खुशी होती है मैंने कभी दिल में नहीं रखा ये क्यों छोड़ के क्यों क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात है कि आंदोलनकारी की जो लाइफ होती है ना वो अकेले की लाइफ होती है वो कुछ गिने चुनो की लाइफ होती है उसको लोग बड़ी पहले तो मैं बताऊं पहले तो बहुत अच्छे ढंग से देखते हैं बाद में उसको देखते हैं यार इस बंदे को तो काम ही अच्छी चलाना इस बंदे को तो बस यही काम आता है मगर मुझे एक बात बताओ हर बंदे की एक प्रॉब्लम है

कि भाई ये किस टाइम आएंगे या संडे वाला दिन होता है छुट्टी वाला दिन होता है वो भी वेट करते हैं भाई हमारे साथ टाइम देंगे कि नहीं देंगे तो वो भी मेरी शकल देखते हैं मेरी वाइफ मेरी शकल देखते हैं भाई किस टाइम हमसे बात कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे मुझे नहीं लगता अंदर से मुझे भी लगता है मगर मुझे सबसे बड़ा समाज मेरा परिवार लगता है कि मैं उस समाज के लिए अगर मुझे भगवान ने कुछ बनाया है कुछ ताकत भी है कि इस प्रकार की मैं आवाजें उठा सकता हूं तो मुझे अपने समाज के लिए पहले उस परिवार के लिए करना चाहिए ये परिवार तो भगवान देख ही रह भगवान के भरोसे कोई दिक्कत नहीं है प्रभु की बहुत कृपा है आज हर बंदा ये कहता है कि भाई मैं तो अपने व्यापार को देखूं कोई कहता है मैं अपने परिवार मेरे पास पर समय नहीं है इसी प्रकार कोई सोचता रहा तो आने वाले समय में कोई भी किसी की आवाज नहीं उठा पाए ये तो बड़े संघर्ष करने पड़ते हैं बड़ी चीजें मुझे तीस साल की मेरी जिंदगी है ना मैं बताऊं आपको मेरे तीन स्टंट लगे हुए मैं उसमें भी मुझे कहीं दिखते हैं पर मैं उस चीज की परवाह नहीं करता मैंने एक ही चीज सोची हुई है भगवान से रोज सुबह अरदास यही करता हूं भगवान जब भी मौत दे मौत तो है मौत तो आनी है क्या बीमार पड़के पड़ के ना दे समाज की सेवा देश की सेवा करते हुए क्यों जब ये मौत आएगी तो मेरी जिंदगी बहुत ही सफल हो जाएगी इससे बढ़कर कोई आपने सत्ता की बात की आपने पावर की बात की तो अगर मुझे लगता तो नहीं कभी मुमकिन हो लेकिन ऐसे मन में विचार आया लेकिन अगर किसी दिन हमारे यहाँ कोई एक पोस्ट बन जाए गुस्सा मंत्री की और आपको गुस्सा मंत्री बना दिया जाए तो आप सबसे पहले क्या करोगे भाई मैं ही करा रहा है। ओ भी सरकारी कोई ने मैं क्यों नहीं किसी पार्टी में जाता मैं क्यों नहीं किसी पार्टी में कई पार्टी में आती है क्योंकि मैं नहीं रह सकता मैं जो चीज गलत है उसको देख के नहीं रह सकता और बाद में वो बाहर निकाले इससे बढ़िया मैं बाहर ही ठीक हूं ना गल समझ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਚਮਚੇ ਜਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਾ ਕਹਿ ਪਾਏ ਜਾਂ ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਕਹਿ ਪਾਏ ਮੰਨੂ ਹੈ ਵੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਮ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੈ ਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇਖੋ ਮੰਨੂ ਕੋਈ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਜੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਇਹ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਬੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਬੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਮੈਂ ਆਮ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਆਮ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਲੜਦਾ ਰਵਾਂਗਾ जिंदे जी जिन्ना ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਹੈ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਮੂਝੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਣੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬੜਾ ਮਲਕੀ ਲੈਕਚਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣਾ ਸਿਖਾਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸੋਚ ਦਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਬੀਜ ਪਾ ਸਕੀਏ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਖਾਸ ਕਰ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਰਨ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕਿ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇਸਟਮ ਬਹੁਤ ਡਿਸਟਰਬ ਹੈ ਬਹੁਤ ਡਿਸਟਰਬ ਹੈ ਮੈਂ ਗਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਨਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਜੋ ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਰ ਫਿਰ ਮਿੰਟ ਦਰਫਤਾ ਐਨੀ ਦੂਰ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪੋਨਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਵਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਵਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਾ ਉਹ ਹਿਲਾ ਦਿੰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸਤੇ ਸਰਚ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜੁਲਾਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਐਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਐਮਪੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਐਮਐਨ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਦ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਜਦ ਸਮਾਜ ਮੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮਿਲਨ ਜੁਲਨ ਸਭ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਦਰ ਦੱਸੇਗਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੇਗਾ ਬਈ ਇਹ ਹਾਂ ਪਰ ਕੀ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਮਿਲ ਪਾਓਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਦਰਦ ਉਹਨੀਆਂ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੱਟੂngੀਆਂ ਜਿੰਨਾ ਦੂਰ ਹੋਜੋਗੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਇਹ ਨੇਤਾ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਦਰਦ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਥੋੜੀ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਲੀਦਾਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਕਹਾਗਾ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਖੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਦਾ ਕੋਈ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੋ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਜਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਿ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚਾਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਝੁੰਡੇ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਂਗੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਣ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਅچھے ਸੁਲਝੇ ਹੈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਬਈ ਕਿ ਬਈ ਐਸਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਦੋ ਜਿਤੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ੀ ਦਮ ਲੱਗੇ ਜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਕਿ ਬਈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਰੰਗ ਲੈ ਗਏ ਮਗਰ ਸਾੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜੁਰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਸਹਿਤਾ ਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਤਾਦੀ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰਤਵੰਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਤਾ ਕਰ ਪਾਈਏ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਦਈਏ ਜਦ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਫੀਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਨਾ ਪਾਈਏ ਅਸੀਂ ਹੋਰ بڑے بڑے ਸ਼ੋ ਸ਼ੋ ਕਰ ਦਈਏ ਜਦ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਲਾਇਕ ਹੋਏ ਤੇ ਕਾਰਕ ਹੋ ਨਾ ਕੁਝ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਾ ਹੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਾ ਕਰਾ ਪਾਈਏ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿਖਾਵੇ ਤੇ ਰੂਪ ਦੇ ਕਰ ਦਈਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਦਿਵਾ ਪਾਈਏ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਾ ਦੇ ਪਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨਹੀਂ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੋਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ तो पहले बेस पर काम करना पेगा मैं चाहना वहां चाहे गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी हो चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे एम सी डी हो या कोई भी होना एजुकेशन बिल्कुल फ्री कर देनी चाहिए बिल्कुल ठीक आपने बच्चों की बात की स्कूल और किताबों की बात की तो मुझे एक याद आ गई जब हम छोटे थे तो मुझे नहीं याद कि मैंने अपने पूरे स्कूल टाइम में कभी भी कोई नई किताब खरीदी हो जो भी हमारे घर में कोई बड़ा होता था बच्चा या अड़ोस पड़ोस में या अंकल आंटी का कोई भी होता था तो उसकी जो किताबें होती थी वो हमें मिलती थी इवन जब मेरे बच्चे छोटे थे तब भी मतलब कि यही ट्रेंड था कि भी आसपास से कहीं से भी वो सेट अपना दे दिया और किसी दूसरे का ले लिया लेकिन आज दिल्ली में मतलब कि भरमार है पब्लिक स्कूलों की इंटरनेशनल अब एक वर्ड और साथ में जुड़ गया उनके इंटरनेशनल स्कूल लेकिन अब चाहे थर्ड का बच्चा है फोर्थ का है फिफ्थ का है मतलब कि आठ आठ दस दस हज़ार रुपये की किताबें थर्ड फोर्थ की क्लास के बच्चे की दे रहे हैं और यूनिफॉर्म यहाँ से लोगे शूज़ यहाँ से लोगे किताबें यहाँ से लोगे बल्कि मुझे याद आया उस दिन एक पेरेंट ने कहा जी बच्चा बच्चा भी हम लेके आएंगे ये बच्चा भी आप ही दोगे स्कूल वालों से कहते ना जी बच्चा आपने लेना बाकी सारा कुछ हमारे यहाँ से लेना तो उसने कहा जी पढ़ाई कहता पढ़ाई के लिए आप ट्यूशन रख लेना मतलब पढ़ाई की भी जिम्मेदारी वो नहीं लेने को तैयार आज दिल्ली में आधे से ज्यादा जो इंटरनेशनल स्कूल बने हुए हैं फीस तो उन्होंने इंटरनेशनल स्कूल की कर दी है लेकिन वहां पीने का पानी भी नहीं है हर बच्चा बोतल भर के अपने घर से लेके जाता है तो एक ये चीज और इसी के साथ मुझे अब क्योंकि एक मुद्दा दिमाग में आया तो मैं दूसरे एक और मुद्दे की बात करना चाहूंगा आपसे आपने बहुत सारे जनहित के मुद्दे उठाए हैं लेकिन एक चीज शायद आपके ध्यान में शायद आएगी नहीं लेकिन मैं जरूर डिस्कस करना चाहूंगा आपसे कि दिल्ली में अब जैसे बिजली की सप्लाई है तो उसके लिए तीन प्लेयर एक एक कैरियर में एक प्लेयर है कोई भी कारोबार है कोई भी व्यापार है जहां पे एक आदमी होगा जिस कॉलोनी में एक अकेला आदमी कोई कारोबार कर रहा है तो वो अपनी मोनोपोली अपनी दादागिरी लेके चलता है जब टेलीफोन शुरू में आए थे तो अठारह रुपए बीस रुपए कॉल होती थी आज शायद दस पैसे बीस पैसे में कॉल हो जाती है इंटरनेशनल कॉल बिल्कुल फ्री है अब सारा दिन इंटरनेशनल कॉल करो कोई चार्जेस नहीं पहले पांच मिनट की कॉल पर भी पांच सौ लग जाते थे वो इसलिए कि आज दस बारह पंद्रह प्लेयर आ चुके हैं तो बिजली के केस में ये हमारी सरकारें दूसरे प्लेयर को क्यों एंट्री नहीं दे रही इस बात पे कभी आपने विचार किया है या आपको लगता है विचार करना चाहिए देखो पहले तो मैं एजुकेशन के ऊपर जो आपने किताबों को जी मैं आपको बताऊंगा जिस टाइम कोरोना काल हुआ था हाँ जी तो मेरा सभी स्कूलों से यही था कि ये स्कूल जितने भी दिन स्कूल बंद है फीस माफ की जाए बच्चों की छोड़ी जाए तो करते करते मैंने ऊपर ले लेवल तक सबसे बात की तो लास्ट में मुझे जवाब क्या आया ये कभी भी नहीं उठता जितना मर्जी आप लड़ लो पहले तो ये अटकाते रहे कोर्ट तक गए सब कुछ गए लोग भी गए नहीं हुआ कुछ उसका कारण क्या है आपने कभी सोचा क्योंकि सबसे बड़ा कारण है कि आप कहां तक जा सकते स्कूल के या इन चिकित्सा को लेकर लास्ट तक कहीं पर भी लास्ट एक तो एंड है ना पर स्कूल उन्हीं हैं सब के हैं सबके तो आप कहाँ चले मैक्सिमम स्कूल जो है वो हमारे पॉलिटिक्स के अफसरों के नेताओं के आप कहाँ पर सिर फोड़ोगे मुझे ये बोला गया हुँ. कि आप कहाँ तक फिर सिर फोड़ोगे बिल्कुल सच्ची बात है तो वो वहां से हटा अब किताबों की बात आ जाओ किताबें ये जो की जाती हैं वो हर चैप्टर को जान के थोड़ा सा चेंज करके कि बच्चा वो दोबारा किताब दूसरा बच्चा ना ले पाए चैप्टर चेंज करके या फ्रंट चेंज करके उसको दोबारा किताबों को दे दिया जाता है कारण क्या है एजुकेशन टाइम सबसे बड़ा व्यापार बन चुका है वो अब आप बच्चों को पढ़ा नहीं रहा वो बच्चों के साथ व्यापार कर रहा है वो बच्चों की एक तरह से ना देखिए आप जिस प्रकार हम लोग भी थे बच्चे खेलते थे पार्कों में बच्चे खेलते थे कहीं पर भी जाकर कोई गुल्ली डंडा खेल रहा है कोई क्रिकेट खेल रहा है कोई कुछ खेल रहा है अब बच्चे नहीं खेल पाते इतना उनपे प्रेशर डाल दिया जाता है किताबों का कि भाई वो उसी में डूबे रहे क्योंकि स्कूल ये चाहता है जितना मैं दिखाऊंगा ना कि मैं मेरे स्कूल स्ट्रॉन्ग है उतना ही मैं पैसा कमा पाऊंगा बच्चों को छूट ही नहीं जा दी जाती बच्चे अपने बचपना भूल चुके हैं आज किसी पूछो अधिकतर बच्चों से कहाँ जाते हैं शाम को बस जिम जाते में दस पंद्रह मॉल चले गए बिल्कुल दे रही है, दे रही है। दे रही आप बच्चे डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं जी बच्चे क्या माँ बाप डिप्रेशन में जाते रहे माँ बाप जा रहे हैं फीस भरने में बच्चे जा रहे हैं पढ़ाई में क्योंकि <laughs> तो बच्चों को हर महीने माँ बाप को जाता भाई ये फीस आ आ गई जाते हैं भाई ये फीस भरो तुम्हारे बच्चे को बैठने नहीं देंगे एग्जाम में तुम्हारे बच्चे का नाम काट रहे हैं जान के दूसरे बच्चों के सामने बेस्ती करते हैं तुम्हारी फीस कैसे लेट आ रही है तो ये चीज तो ये हो गई इस पर मैं पूरा कर रहा हूं आपका सहयोग भी लूंगा क्योंकि आपके आर्टिकल बड़े अच्छे अच्छे आते हैं इस इसपे आप लिखिए दूसरा आप बिजली कंपनियों पे आ जाओ अब वो ही सेम हो गया बिजली कंपनियां आप वाली बात बिल्कुल ठीक है मेरे अब ये पहले इतना नहीं था दिमाग में जो आपने बात करके मेरे दिमाग में डाली इस पर मैं इश्यू पूरा उठाऊंगा और ये चुनाव के बाद ही उठा पाएंगे जी <coughs> के भाई बिजली कंपनियां भी आप एक क्यों मेरा दिल करता है मैं आपसे लाइन लू इनसे लू किसी से भी लू आप मेरे पे प्रेशर क्यों डाल रहे हो इस एरिया में यही बिजली देगा आपको समझियो आज हर चीज ओपन हो चुकी है मुझे लगता है इसका रेट सस्ता है इसकी सर्विस अच्छी है या सब कुछ है तो मैं उससे लूंगा बिल्कुल ठीक मगर ये पार्टियों को बहुत बहुत फंड दे देते हैं राजनीतिक पार्टियों को तब लिए आम बंदे की जेब कब कट जाती है आम बंदे को पता भी नहीं लगता <coughs> मैं आपको बता दू जोली साहब मैं तो व्यापारी हूं व्यापारी के नाते के बात करूंगा आपसे कई व्यापारी दुकानें बंद कर चुके किराए के तो छोड़ो <coughs> जिनकी अपनी दुकानें थी काम ही नहीं टाइम व्यापार का ये हाल है शाम को घर पे जाता है क्यों नहीं घर कई बार खुशियां आ रही क्यों नहीं आपस में बात हो पा रही इतना है लोगों के ऊपर इतना प्रेशर है कि भाई लोन का प्रेशर फीस का प्रेशर बिजली का प्रेशर पानी के बिल इतने आ जाते कई जगह ये कहते दो सौ यूनिट फ्री वो उनके लिए है जिनके लिए है जहां वो हम लोगों के लिए कुछ नहीं है मीडियम क्लास इसके जीरो स्टैंड पे खड़ा है ना तो वो अपना हाई क्लास से कभी अपना किसी प्रकार के भी कोई मदद ले सकता है अपनी इमेज को ना लो क्लास में जा सकता है कि राशन फ्री के लिए लाइनों में खड़ा हो जाए ये हालत खड़ा कर दिए ये मेरा है दर्द मुझे ये लगता है ये जो मीडियम क्लास है ये तो इस प्रकार लगा दिया कि कई आप देखते हो अखबारों में टीवी में कि सुसाइड तक पे आ गए मेरा मन है क्या करेंगे आ, 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 आप आपका कर... सुनिए मेरा मन है आपको पैसा देने का का मेरा 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 मन मन है है मैंने आपसे ये चीज ली इसका पैसा देने मगर काम का ही नहीं है, मैं आपका फोन इसलिए नहीं उठा पा रहा मैं ये पैसा दे पाऊं और अगर है भी है मैंने आप किससे ये चीज ली थी है भी है मैंने उसको बेच के क्या किया आपने स्कूल की फीसें भर दी बिजली के बिल भर दिया लोन भर दिया अब मेरे पास और पैसा नहीं कारण क्या है हर चीज आप नहीं जानते आपकी रोज कितनी जेब काटी जा रही है पेट्रोल के नाते काटी जा रही है बिजली के नाते काटी जा रही है स्कूल फीस के नाते काटी जा रही है जीएसटी के नाम पे काटी जा रही है और आप कई बार कोई सामान खरीद तो उस पर कई बार जैसे उस पर जीएसटी लिया जाता है फिर हर चीज में आपकी हर जगह तो जेब कट रही है जबकि सरकार को चाहिए अगर आप कहते हो एक टैक्स करना चाहिए फैक्ट्री से जो चीज निकल जाए वहीं पर एक परसेंट दस परसेंट बीस परसेंट जो टैक्स लगाना लगाओ आपने मेरे से लिया मैंने आपसे लिया मेरा इनकम टैक्स नहीं मेरा कुछ नहीं मैंने जो ट्रांसफर आपको पैसा किया उस पे एक दो परसेंट आप चार्ज लगा दो बस अब एक चीज मैं थोड़ी सी और आपकी लाइफ के ऊपर छह बहुत ही शानदार बड़े दमदार गाने बने हैं जिसमें पूरी आपकी जिंदगी का उन्होंने बड़े अच्छे से रेफरेंस दिया बहुत ही अच्छा म्यूजिक मैंने खुद सुने हैं वो गाने बहुत अच्छे से अब अगर किसी दिन बाई चांस आपकी लाइफ पे कोई पिक्चर बनती है कोई फिल्म प्रोड्यूसर मूवी बनाना चाहता है आपकी लाइफ के ऊपर आप किस हीरो को देखना चाहेंगे जो आपका रोल अदा कर सके आप जैसा गुस्सैल के दिखा सके <laughs> देखो जी वो तो उनको ज्यादा पता है बाकी मैं तो मानता हूँ मनोज कुमार जी जिस टाइम थे उनके जो स्टाइल था देशभक्ति का हर चीज उनका बिल्कुल बिल्कुल बिल्कु। वो चीज तो मैं चाहता हूँ हमेशा जब देश पे बात आती है समाज पे आती है किसी प्रकार पे आती है उन्होंने देखा होगा महंगाई के ऊपर भी गाना गाया अच्छा फिर देशभक्ति के भी ऊपर उपकार फिल्म उपकार मतलब सब चीजें थी तो वो उनके है बाकी हीरो में तो क्या नाम है आपका नाम भूल रहा हूँ राजकुमार जी थे जो बहुत गुसेल... हाँ हाँ डायलॉग डिलीवरी हाँ, बहुत थी बहुत जानी हाँ, कुण भी कुण। <laughs> तो ऐसे हीरो हैं तो बाकी देखो हम लोगों की फिल्में तो बहुत ही कम बनती हैं क्योंकि आंदोलनकारी को कोई पूछता नहीं आंदोलनकारी की फिल्म तो तब बनती है जब वो चला जाता है जीते जी बनाने बहुत ही कम है। हमारे इंडिया में ये ट्रेंड है कि इज्जत और कदर जो है वो जाने के जाने बार के बाद मिलती <laughs> बाकी तो फिल्म तो सबसे बड़ी पता क्या बनी है मेरी मेरी फिल्म बनी है जो मेरा परिवार इतना बड़ा बन गया है जो मेरे आप लोग सब लोग सब इतना प्यार करते हो ना मेरी रोज की दिखे वो फिल्म मैं देखिये कोई कहता ना आपके अखबार में फोटो आई मैं अखबार में रोज अगले दिन चेंज हो जानी जो सबसे बड़ी फोटो है आपके दिल में है ना दिल में बन गई वो वो कभी चेंज नहीं होती वो चाहिए मुझे कि भाई आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद चाहिए वही सबसे बड़ी मेरी आपने बताया कि आपको हार्ट प्रॉब्लम भी है आपको तीन स्टंट भी डले हुए हैं उसके बावजूद तीस साल से लगातार आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपनी हेल्थ को किस टाइम और कैसे मैनेज करते हैं कैसे इतना फिट रह पाते हैं आज भी मैं कह सकता हूं कि हमारे जितने यहाँ लोग बैठे हुए हैं सब में से अगर मैं किसी को फिट और एक्टिव देख रहा हूँ तो आप मुझे दिखाई दे रहे हैं नहीं, नहीं ऐसी बात नहीं <laughs> आप बहुत थोड़ा मुकाबला में देखो मुझे जो एनर्जी आती है ना वो लोगों के प्यार से आती है रोज फोन किसी ना किसी के आ जाते हैं मतलब कि ऐसे ऐसे लोगों के आ जाते हैं कि आप पम्मा जी ये अच्छा है ये मुद्दा है ये आपने बड़ी अच्छी आवाज उठाई तो वो जो, जो जोश है ना मैं कई बार ये सोचता हूँ ये सब कुछ छोड़ दू मुझे क्या हासिल है मैं क्या कर रहा हूँ कई बार तबियत वाइफ की भी थोड़ी डीली रहती है या किसी प्रकार की भी रहती है मुझे लगता है नहीं मुझे अब छोड़ दे मगर फिर मुझे लगता है यार उनको मेरी ज्यादा जरूरत है उन लोगों की आवाज जरूर उठानी कि यार इस बार ये उठा लेता फिर रहने देता हूं मगर वो हर बार इस बार होता है गुस्से की हमने बहुत सारी बातें की बहुत कुछ आपसे गुस्से के बारे में जाना गुस्सा करना क्यों जरूरी है और गुस्सा करके कहा फायदा हो सकता है आमतौर पर ठीक है कि गुस्सा हुए नुकसान करता है अब एक चीज मैं पूछना चाहूंगा कि गुस्सा तो आप बहुत करते हैं गुस्से के लिए फेमस भी बहुत है पूरी दुनिया में खुशी किस चीज से मिलती है आपको सबसे ज्यादा पहली तो खुशी मुझे सबसे ज्यादा मिलती है जब कोई मुद्दा उठाता तो हूं वो समस्या हल हो जाती है उन चेहरों पर देख के खुशी मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है दूसरी बात मैं आपको थोड़ी सी इसमें अलग सी चीज बताऊंगा जी जिस टाइम हम धरना प्रदर्शन करते हैं कई चीजें ऐसे इश्यू आ जाते हैं जो मतलब कि हम भी लोटपोट हो जाते हैं जैसे हम <laughs> कोई अर्थी लेके जा रहे हैं तो लोग क्या सोचते हैं वो अर्थी बना के किसी भी कोई लेके जा रहे लोग सोचते हैं सही में ले उसको ही टेकना शुरू कर देते हैं अर्थी ले जा रहे हैं कई बार क्या होता है पुलिस वाले पानी छोड़ दिया हमारे ऊपर अब जो मेरे साथ तगड़े तगड़े होते हैं लंबे चौड़े वो तो भैया अपने भागने लग जाते पीछे मेरे ऊपर से पानी निकल जाता अगले दिन अखबारों में मेरी ही फोटो आ रही है भाई ऊपर से पानी तो तीसरा कई बार रेस्टिंग होती है वो जो सीआरपी वाले कई बार आते आते हैं हैं या कुछ आते हैं वो, कहते वो बार तो जानते नहीं बड़ी अच्छी लगी बाकी खुशी जो सबसे बड़ी मेरी खुशी है जब समस्या किसी की हल होती है ना या मुझे लगता है देखो मैं बताऊं जब सरकार ने अः जब ये हुआ कि पाकिस्तान ने हमारे पुलवामा के किया मुझे क्रोध था क्रोध था मगर जब सरकार ने स्टेक करके वहां पर बता दिया कि किस प्रकार हम दूसरे के घर पे भी जाके मार सकते हैं अगर अपना बदला ले सकते हैं तो वो खुशी अलग थी वो ऐसी खुशी चाहिए जो समाज के लिए हर बंदे के लिए देखो सरकारें मैं एक चीज बता दूं आपको हर बंदे को ये बताना चाहूंगा सरकारें हमारी माई बाप है क्योंकि जब हमने सरकार चुन ली ना तो माँ बाप के आगे बंदा नहीं रोएगा तो किसके आगे रोएगा तो सरकार के आगे हम चीखेंगे चलाएंगे नहीं तो नहीं किसके आगे चलाएंगे आप ये मत सोचिए कोई बंदा ये चिल्ला रहा है कुछ चाहे ये पार्टी का विरोधी है ये, ये सोचिए कि ये दर्द मेरा भी है ये मांग मेरी भी थी मगर ये बंदा सामने आके बोला तो है सामने आके कुछ कर तो रहा है तो सरकार को हमारा चेंज करने का या हल करने का कोई मतलब नहीं क्योंकि एक हटाएंगे दूसरी वैसी जाए कहते हैं भाई कोई राजा था वो एक को हटाया वो पहले मारता था डंडे और दूसरा आया वो कहता रस्सी भी बांध के इसको उल्टा भी लटका दो कभी कुछ पता थोड़ी लगता है कौन सा राजा आ गया हम चेंज नहीं करना चाहते कोई राजा रोजा हम तो चाहते हैं कि भाई आप लोग अपने दर्द को अंदर मत रखो हार्ट की बीमारियों से मत मरो आप लोग जो चीज छुपा रहे हो ना वो आपको शारीरिक तौर पे सबसे ज्यादा नुकसान दे रही है अगर मेरे तीन स्टैंड लगे फिर भी जोश क्यों है क्योंकि तो समाज के लिए लड़ रहा हूं कि आम बंदे के लिए लड़ रहा हूं अपने लिए नहीं लड़ रहा कहते हैं कि दिल खोल लो यारों के साथ आप जो कह रहे हैं ना कि अंदर घुट घुट के मत जियो खुल के जियो जो मन में है ना उसे बाहर निकालो दिल खोल लो यारों के साथ वरना किसी दिन खुलवाना पड़ेगा लाखों रुपए देख के औजारों के साथ वाइफ के साथ अगर मैं बुढ़ा हो जावा मैं कुब्बा हो जाविंग क्योंकि मैं तो ये जिंदगी को मैंने कहा अपने परिवार के साथ अपने लोगों के साथ हंसी मजाक डांस वो सब करता हूँ कोई वो नहीं है मगर जिस मुद्दे की बात आएगी तब मेरा अलग ही जोश होगा देखो बातें तो बहुत सारी हैं और दिल भी कर रहा है कि आपके साथ आज सारा दिन सारी रात बैठा जाए और इसी तरह बातें करते रहे एक चलते चलते मैं एक आखिरी सवाल पूछ रहा हूं मन में पता नहीं क्यों आज बड़े अजीब से ख्याल आ रहे हैं कि ओलंपिक में अगर गुस्से को भी एक गेम की तरह एक स्पोर्ट्स की तरह कहीं एंट्री मिल जाए कभी और वहां पे उस आपको भेजा जाए तो आप उस ओलंपिक में गुस्से का कौन सा मेडल लेके आएंगे <laughs> मैं गुस्से का सबसे ज्यादा मेडल लाऊंगा इंसानियत का <laughs> इंसानियत की बात करके सबको जगाऊंगा कि किस प्रकार वर्ल्ड वाइज हमें ये जंगे छोड़कर आपस में भाईचारा रखना चाहिए और उन ये जो हथियारों की जगह हमें रोजगार तैयार करना चाहिए हमें आम बंदे की आवाज जो है उसको दबाना नहीं चाहिए उसको सुनना चाहिए चाहे वो राजा अमेरिका का हो चाहे राजा वो चाइना का हो चाहे राजा भारत का हो चाहे राजा और किसी कंट्री का हो हर इंसान की कदर करोगे तो आप भी खुश हो वो इंसान भी खुश है झगड़ों में लड़ाइयों में कुछ नहीं पड़ा हमेशा जो प्यार में पड़ा है ना वो प्यार से आप दिल भी जीत हो देश भी जीत हो तो दोस्तों आज के इस प्रोग्राम से पम्मा जी के ये विचार सुन के इतना तो आप ज़रूर समझ गए होंगे कि एक विचार से चमत्कार हो सकते हैं एक विचार से समाज में देश में क्रांति लाई जा सकती है उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगेगा और आप अपने परिवार दोस्तों के साथ सभी के साथ शेयर करेंगे हमारा मकसद है समाज में एक सकारात्मक पॉजिटिव चिंगारी जलाना क्योंकि जिस तरह पम्मा जी सूरज तो नहीं बन सके लेकिन एक दीपक बनकर पूरे समाज को रोशन कर रहे हैं दीपक सूरज की तरह तो नहीं होता लेकिन एक घर को वो भी उजाला दे सकता है तो इनसे आज इंस्पायर होके इतना तो हम सभी को जरूर करना चाहिए कि जब कभी भी कोई जनहित की बात है कोई भी एक आम आदमी के दुख दर्द की बात है तो उसे चुपचाप सहन करने की बजाय इनके साथ कदम से कदम मिला के कंधे से कंधा मिला के इनके साथ जुड़कर आगे चलें तो हम एक अच्छे पॉजिटिव समाज की एक क्रिएटिव और प्रोडक्टिव समाज की कल्पना कर सकते हैं उम्मीद है आप इन विचारों से जरूर सहमत होंगे आप अपना ओपिनियन अपना रिएक्शन मेरे से मेरे पास जरूर लिख कर भेजें पम्मा जी से अगर संपर्क करना चाहें तो आप जो नंबर लिखा हुआ है उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं तो इनसे बात कर सकते हैं और क्योंकि बहुत सारी बातें है, बाते हैं सारी बातें यहाँ नहीं की जा सकती आपके पास भी इसी तरह का कोई खास एबिलिटी काबलियत है जो समाज के लिए आप अगर कुछ अनूठा कर रहे हैं तो आपका इस प्रोग्राम में स्वागत है हम इंतज़ार करेंगे कि आप अपना क्रिएटिव टैलेंट हमारे पास लेके आए हमारी टीम बहुत जल्द आपसे संपर्क करेगी और आपकी बात हम जमाने तक लेके जाएंगे आखिर में एक ही लाइन कहना चाहूंगा जागरूकता बहुत ज़रूरी है अगर अभी बदल जाओगे तो तभी संभल पाओगे पम्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया आज आपने बहुत टाइम निकाला बहुत सारी पॉजिटिव बातें हमारे साथ दर्शकों के साथ शेयर की उम्मीद है कि ये चिंगारी जरूर कोई ना कोई रंग लेके आएगी आपके लिए बहुत सारी शुभकामनाएं प्रभु इसी तरह आपको हिम्मत कामयाबी दे कि आप इसी तरह समाज की सेवा करते रहे बहुत बहुत धन्यवाद तो